अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ाइगोट फार्म। जैसे कि पिछले दिनों क्लाइमेट था, आप सबको मालूम है कि क्लाइमेट बहुत यानी गड़बड़ वाला मामला था क्लाइमेट का। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक दिन में तीन तीन तरह का क्लाइमेट हो रहा था, धूप बारिश और सुबह और रात में ठंड गिरती थी। अभी भी देख सकते कि अभी एकदम आसमान साफ है, धूप निकली है। तो पिछले दिन बहुत कुछ मेरे फार्म पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, यानी बुखार का सिलसिला वगैरह चालू हुआ था, थोड़ा बुखार लूज़ मोशन। तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि सब जानवर कवर हो चुके। तो उसमें निमोनिया की शिकायत आई थी, एक 5-6 बकरों को निमोनिया भी हो गया था मेरे इधर। तो उसके सिम्टम क्या है और उसको क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस गोट फार्मिंग के रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आगे वीडियो में देखो कि बकरा क्या सिम्टम बता रहा है। सांस लेते वक्त आवाज भी कर रहा है, जरा दुआ करो क्या ये क्योर हो जाए। तो आपने वीडियो में देखा कि बकरा क्या सिम्टम बताता है। जैसे सांस लेते वक्त आवाज़ करेगा बकरा, लेबर ब्रीदिंग जिसको करेंगे। बकरे का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है, यानी बुखार भी बहुत तेज आ जाता है, 5 से भी आगे जाता है टेम्परेचर कभी कभी कोई कोई जानवर में। तो बहुत हेवी बुखार आ जाता है इसमें। तो ऐसा होने पे पहला क्या करना चाहिए, जैसा ये सिम्टम आपको बकरा बताए, वो तेज़ बुखार और जैसा सांस लेते हो आवाज़ भी करे बकरा, तो सबसे पहला तो आपको अच्छे से कोई अच्छा डॉक्टर को कंसल्ट करके या डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें गेस वर्क जरा भी नहीं करने का, या खुद से अपना ट्रीटमेंट अगर आपको मालूम है पता है तो ठीक है, तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट करो, वरना जानवर के जान पे आ सकती है। ठीक है, इसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, तो वो करने से बकरा फुल्ली कवर हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वही बकरा है सानिन, ये 100% एकदम क्योर हो चुका है अभी और हरकत भी कर रहा है, गर्म हो गया एकदम, फुल अपने रुबाब पे आ गया है बकरा। दस से 12 किलो तक ये बकरे ने वजन भी तोड़ा था, अभी रिकवर हो गया है वो, इंशाल्लाह आगे और अच्छा वेट गेन देगा ये बकरा। अभी उसके जूने वेट पे तो आ ही गया होगा, हमने वेट नहीं किया, फिर भी उसका लुक वाइज ऐसा लग रहा है कि बकरा उसके जूने वेट पे आ गया होगा। क्योंकि ये वीडियो तो मैंने बकरे के ट्रीटमेंट के लगभग 10 से 12 दिन के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था, बारिश थी, वही हिसाब से वीडियो भी लेट हो गया और फुल्ली कवर होने के बाद ही वीडियो में डालता हूँ। ऐसा कुछ भी मेरे फार्म पे प्रॉब्लम हो जाएगा तो बकरा जब पूरा कवर हो जाता है, पूरा बीमारी से बाहर निकलता है, उसके बाद ही मैं वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ। क्या मेरे को वो मेडिसिन ने रिजल्ट दिया कि नहीं, जो हमने ट्रीटमेंट किया उससे हमको रिजल्ट आया कि नहीं, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ फॉरवर्ड करता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि ये सिम्टम बताए बकरा, तो सबसे पहला अच्छे वेट को कंसल्ट करो। ठीक है, तो ये एक निमोनिया का ट्रीटमेंट बताने का था, इसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, तो करने से बकरा एकदम 100% क्योर हो जाता है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, बकरा कवर हो जाता है। यही है कि इसमें पहली अपनी स्टेप जो सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है, सही से मेडिसिन इसको होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बकरे को हो सकते हैं।
तो इसमें गेस वर्क करने के बजाय या अपना खुद से ट्रीटमेंट करने के बजाय डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करो, उसके बाद ट्रीटमेंट करो, बकरा 100% इसमें क्योर हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जानवर माशाल्लाह एकदम हो गया है। अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि अभी उसको वॉश नहीं किया, बारिश की वजह से। केज में था ये बकरा, केज में ही रहता है, तो बहुत बारिश होने की वजह से तो थोड़ा गंदा हुआ है। तो इसको अभी नहलाने का भी नहीं, हमको थोड़े दिन और इंतज़ार करेंगे। और ये भी गलती नहीं होनी चाहिए, बकरे को तुरंत नहलाना भी नहीं चाहिए। कोई भी बीमारी से अगर बकरा बाहर निकलता है तो उसको जल्द से नहलाने की कोशिश ना करनी चाहिए, उसको अपना फुल्ली एकदम रिकवर होके सेट होके जो वेट लॉस हुआ है वो वेट आने के बाद ही उसको फिर आप नहला सकते हैं बकरे को। वो भी हल्का गुनगुने पानी से, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, वो पानी से नहला के फिर उसको अच्छे से सूखा के टावल। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है बकरे को किस तरह नहलाना है, तो वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक निमोनिया का ट्रीटमेंट आपको बताना था, तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।